हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस रियलमी X2 Pro का कैमरा क्वालिटी चेक करेंगे और मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा कि आप खुद देख लेना कि इसका कैमरा अच्छा है या बुरा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो है जनता, वन लाइक बनता। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फास्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको पीछे के चार कैमरा देखने को मिलता है। जो फास्ट है वो 64 मेगापिक्सल, सेकंड वाला जो है वो है 13 मेगापिक्सल, और उसके नीचे जो 8 मेगापिक्सल, और उसका जो नीचे 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल। तो फास्ट हम बात करते हैं पीछे की साइड में। तो पीछे की साइड में आपको देखने को मिलेगा जो है प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल। तो मैंने यहाँ पे दो आपको फोटो दिखाता हूँ, एक 13 मेगापिक्सल में खींचा हूँ, एक जो अल्ट्रा HD में खींचा हूँ 64 मेगापिक्सल में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस दोनों फोटो में कि क्या डिफरेंस है। तो मेरे को लगता है 64 मेगापिक्सल में थोड़ा इसका जो क्लैरिटी अच्छा है और अच्छा दिख रहा है। और दो फोटो दिखा रहा हूँ जो प्राइमरी लेंस से खींचा हूँ, और एक 64 मेगापिक्सल में। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन दोनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 64 मेगापिक्सल है ना, उसमें आपको डिटेल्स थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं, इसी फ़ोन में आपको 20x जूम मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट स्टेप बाई स्टेप दिखाता हूँ स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको जो फास्ट फोटो देख रहे हैं वो है 1x, उसका जो सेकंड फोटो दिख रहे हैं वो 5x का है, और उसके बाद जो थर्ड फोटो दिख रहे हैं वो है 10x का, और जो लास्ट में देख रहे हैं वो 20x का है। इसको देख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कैमरा जो जूम का क्वालिटी है वो कितना अच्छा है या बुरा है। आप खुद मेरे को कमेंट में बताना कि इसका जूम क्वालिटी कितना अच्छा है कितना बुरा है, ठीक है। उसके बाद आता है और एक माइक्रो मोड दिया है उसमें, नाइट मोड बहुत ही ऑप्शन है, पर नाइट में मैं इसको अभी खींचा नहीं हूँ, पर मैंने एक बार खींचा था नाइट में, ये अच्छा परफॉर्मेंस देता था। तो अभी एक मैं आपको नॉर्मल फोटो दिखा रहा हूँ साइड में, और एक साइड में जो पीछे देता है ना 2 मेगापिक्सल, इसको दिया है माइक्रो फोटो खींचने के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं नॉर्मल मोड और माइक्रो मोड। माइक्रो मोड में ना थोड़ा डिटेल्स आपको ज़्यादा दिखेगा जो आप पास से फोटो खींचेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो माइक्रो मोड में आपको बहुत ही क्लियर और अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया फोटो की बात, ये नॉर्मल, और भी बहुत सारी ऑप्शन है, पर दिखाने में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको नॉर्मली जो होगा उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है वीडियो। वीडियो में मैं आपको फास्ट दिखाता हूँ स्लो मोशन वीडियो। स्लो मोशन वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाई स्टेप। स्लो मोशन में आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मिलेगा, मैं फास्ट जो इस साइड में दिखा रहा हूँ वो है 960 FPS 180 HD का, और उसके बीच में आपको जो दिखा रहा हूँ 480 FPS का, और उसके साइड में दिखा रहा हूँ जो ना 240 FPS का। इस तीनों में ना मेरे को जो बहुत पसंद आया वो है 240 FPS का, क्योंकि जो 480 FPS और 960 FPS में थोड़ा लैग हो रहा है, पर ये कुछ बात नहीं, पर नेक्स्ट अपडेट जो रियलमी देगा ना पता तो ये सॉल्व हो जाएगा, लैग नहीं आएगा। मतलब आपको सर्दी आप जो मेडिसिन खाओगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा ही इसका जो नया अपडेट आ जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा बस, और क्या। और इसमें और एक वीडियो ऑप्शन है तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस साइड में आपको दिखा रहा हूँ 180p 30 FPS का, ठीक है, और बीच में आपको दिखा रहा हूँ मैं दो 720p 60 FPS का, और उसकी साइड में दिखा रहा हूँ आपको 180p 60 FPS का। मतलब जो 180p दिखा रहा है ना उसको जो वो जैसे होता ना, क्या मैं आपको बताता हूँ, सुपर स्टडी मोड। मतलब आप गिम्बल इसी फ़ोन में आपको चाहिए नहीं, मतलब आप भागेंगे जो करेंगे जो आपको पता लग जाए। मैं आपको स्टाइड बाई स्टाइप दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि इसका क्वालिटी कितना है और कितना अच्छा है, ठीक है। ये हो गया वीडियो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो है इसमें और एक फीचर है जो है स्लो मोशन, तो मैं आपको बता दिया और अल्ट्रा माइक्रो बता दिया, और एक है टाइम स्लैप जो मैं आपको अभी बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी टाइम स्लैप चला रहा हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टाइम स्लैप पे कितना अच्छा लगा रहा है, इसलिए मैं आपके सामने आपको चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बैक कैमरा। बैक कैमरा आपको क्या पसंद आया, क्या डाउट हो गया, और मैं क्या गलत बता रहा हूँ आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा में आपको जो मिलता है 16 मेगापिक्सल का। तो फ्रंट कैमरा का मैं एक प्राइमरी फ़ोटो यहाँ पे रखता हूँ, और एक फ्रंट कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड का फ़ोटो यहाँ साइड में आपको दिखाता हूँ। तो दोनों का अच्छा से दोनों का जो फ़ोटो है ना वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सही है। सॉरी, मैं एक बात भूल गया था, जो बैक कैमरा है ना आप एक जो ब्रोकन इफेक्ट देख सकते हैं, मतलब आप DSLR में जो वीडियो शूट करते हैं आपका बैकग्राउंड ब्लर होता है। वैसे ही मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि जो इस फ़ोन में जो इफेक्ट है उसको डालने के बाद आप वीडियो शूट करेंगे और आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। जो बैक कैमरा में मैंने रिकॉर्डिंग किया हूँ अभी आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए इसका क्वालिटी कितना है, अच्छा है, ठीक है। तो सेम ही
आपकी फ्रंट कैमरा को आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको जो चला के दिखा रहा हूँ फ्रंट कैमरा में आपको ब्रोकन इफेक्ट मिलेगा, मतलब आप फ्रंट कैमरा में जो भी शूट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर रहेगा जैसे DSLR की तरह। तो फ्रंट कैमरा ने मैं आपको अभी जो वीडियो चला रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ एक फ्रंट कैमरा मैंने रिकॉर्डिंग किया था 720 पिक्सल का और एक 18 पिक्सल का फ्रंट कैमरा जो वीडियो शूट किया था, मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए किसका क्वालिटी अच्छा है। तो मैं कुछ बोलने के लिए नहीं हूँ, आप खुद देख के आप जनता है आप खुद बता सकते हैं कि रियलमी एक्स टू प्रो का कैमरा क्वालिटी कैसा है। ठीक है, यही बस था, आपको सारा फ्रंट कैमरा का जो वोकल इफेक्ट सब कुछ मैंने आपको आपके सामने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।